हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LS एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस द फोर्थ यूनिट ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन, दैट इज़ द सिंबल टेबल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सिंबल टेबल और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की स्टडी हम यूनिट फोर्थ में करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सिंबल टेबल। सिंबल टेबल है क्या, सिंबल टेबल का एडवांटेज क्या है, किस किस फेस में यूज़ की जाती है और कौन कौन से फेसेस इसकी इन्फॉर्मेशन का फर्दर यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द सिंबल टेबल से। सो डेफिनेशन ऑफ सिंबल टेबल इज दैट सिंबल टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द कंपाइलर इन ऑर्डर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एंटिटीज सच एज वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स, स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट एंड लेबल्स। यानी सिंबल टेबल एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कंपाइलर क्रिएट करता है। किस किस फेस में क्रिएट करता है, लेक्सिकल एनालिसिस फेस में और आपका सिंटेक्स एनालिसिस फेस में। मेनली दो फेसेस में आपका क्या होता है, सिंबल टेबल क्रिएट की जाती है। ठीक है, पर्पस क्या है क्रिएट करने का, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट वेरिएबल नेम्स, अबाउट फंक्शंस नेम्स, प्रोसीजर नेम्स, स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंट लेबल्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं इस इन्फॉर्मेशन के, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं, जिससे कि हर फेस जो आपके फर्दर फेसेस है, क्योंकि हमने आपको बताया लेक्सिकल और सिंटेक्स एनालिसिस फेस तो मैनली क्रिएट करते हैं, यानी कि एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो मैनली क्रिएशन में इन्वॉल्व रहता है सिंबल टेबल के। जो आपका सिंथेसिस वाला पोर्शन है कंपाइलर का, वो आपका यूज़ करने से रिलेटेड, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। अब आते हैं, इट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कोप एंड बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम्स। जितने भी आपने सिंबल टेबल में नेम्स यूज़ किए हैं, उनमें से कौन से वेरिएबल, कौन से प्रोसीजर का क्या स्कोप है, क्या वो पूरे प्रोग्राम में है अवेलेबल या एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में अवेलेबल है। यानी कि चाहे वेरिएबल हो, चाहे आपका फंक्शन हो, चाहे प्रोसीजर हो, कोई भी चीज आप जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, उसकी रेंज क्या है, वो स्कोप क्या है, क्या वो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया तक लिमिटेड है या पूरे प्रोग्राम में उसका स्कोप है, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके साथ एसोसिएटेड है, उस प्रोसीजर के साथ कौन से एसोसिएटेड है, उस वेरिएबल के साथ कौन से एसोसिएटेड है। यानी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो नेम यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हो, वो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ बाउंडेड रहती है, जो उसके साथ एट्रीब्यूट्स हैं उसके। तो एडिशनल स्कोप के बारे में और बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, इट इज़ बिल्ट इन द लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस फेस। नेक्स्ट वन इज द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाई द एनालिसिस फेस ऑफ द कंपाइलर एंड यूज बाई द सिंथेसिस फेस ऑफ द कंपाइलर फॉर द कोड जनरेशन। एनालिसिस फेस क्रिएट करते हैं और सिंथेसिस फेसिस की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब फेस बाई फेस भी हम देख लेते हैं किस तरीके से इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जा रहा है। सो इट इज़ यूज बाई द वेरियस फेसिस ऑफ द कंपाइलर एज फॉलो। सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस क्रिएट्स न्यू टेबल एंट्री, न्यू टेबल क्रिएट करेगा, उसके अंदर एंट्रीज डालेगा कि जो भी आपका, मान लीजिए टोकन आया, कोई भी वेरिएबल आया, कॉन्स्टेंट आया, कीवर्ड आया, सबकी एंट्रीज करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस फेस क्या कर रहा है, एड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एट्रीब्यूट टाइप, स्कोप एंड यूज इन द टेबल। जो सिंटेक्स एनालिसिस फेस है वो क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट किस टाइप का है, उसका क्या स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है, और उसका कहाँ कहाँ पर यूज है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसमें स्टोर कर रहा है, सिंबल टेबल में। दैट इज द फंक्शन ऑफ द सिंटेक्स एनालिसिस फेस। नेक्स्ट इज द सीमेंटिक एनालिसिस फेस, जो थर्ड फेस ऑफ द कंपाइलर है। ये चेक करता है, टू चेक द एक्सप्रेशंस आर सीमेंटिकली करेक्ट और टाइप चेकिंग। यानी थर्ड फेस क्या कर रहा है, सिंबल टेबल में करस्पॉन्डिंगली इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर रहा है कि जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं उसमें उनकी क्या टाइप मैचिंग कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और दूसरा जो उसके साथ एडअप कर रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब टाइप को चेक करता है और करेक्ट करने के बाद उसको अपडेट करता है सिंबल टेबल में। नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन।
तीनों फेज के बाद जो सिंथेसिस फेज जब स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहले आएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करता है कि सिंबल टेबल हेल्प्स इन एडिंग टेम्परेरी वेरिएबल इंफॉर्मेशन फॉर इंटरमीडिएट कोड। हमने क्या बताया था आपको कि जैसे ही सिंथेसिस फेज स्टार्ट होगा तो इंफॉर्मेशन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा सिंबल टेबल में स्टोर है। सिंबल टेबल क्या कर रही है, इट हेल्प्स इन एडिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन फॉर इंटरमीडिएट कोड। जब हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है तो नॉर्मली हम टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो कब कौन सा कहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल यूज करना है उसमें आपकी सिंबल टेबल हेल्प करती है। अगला फेज आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का, कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में हम सिंबल टेबल का यूज करते हैं व्हेन वी नीड मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको मशीन के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी किसी आर्किटेक्चर के डिपेंड होकर, यानी कि आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो तो वहां पर आपको सिंबल टेबल हेल्प करेगी। द लास्ट वन इज द कोड जनरेशन फेज, जो लास्ट फेज होता है। इस फेज में दिस फेज यूजेस एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर प्रेजेंट इन द सिंबल टेबल फॉर कोड जनरेशन। लास्ट फेज ऑफ कंपाइलर जो कोड जनरेट होता है, तो जो भी वेरिएबल्स के साथ या फंक्शन के साथ या प्रोसीजर के साथ या स्ट्रिंग के साथ जो एड्रेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि कौन कहां पर मेमोरी में स्टोर्ड होगा, वो आपकी हेल्प करती है। सिंबल टेबल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है जब हम फाइनली कोड जनरेट करते हैं कि किसको कहां पर स्टोर करना है मेमोरी में या फाइनली, ठीक है। तो कौन कौन से, अगर हम ओवरऑल देखेंगे कौन कौन सी सिंबल टेबल से हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा रही है, तो एक तो डेटा टाइप्स और नेम्स का यूज़ कर रहे हैं हम सिंबल टेबल से, प्रोसीजर्स को डिक्लेरेशन में यूज़ कर रहे हैं डिक्लेयरिंग प्रोसीजर्स, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर टेबल और रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, दोनों तरीके से पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू यूज़ करनी हो या उनका बाय रेफरेंस रेफरेंस एड्रेस यूज़ करना हो। नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू फंक्शन, ये भी इंफॉर्मेशन कौन कहाँ से आपको मिलती है सिंबल टेबल से। एंड लास्ट वन इज द बेस एड्रेस और स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी आपको कहाँ से मिलेगी सिंबल टेबल से। तो जब भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, ऑल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द सिंबल टेबल। तो अगर सिंबल टेबल नहीं हो पाएगी तो आपके बाकी जो तीन फेजेस हैं कंपाइलर के सिंथेसिस वाले, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो मेनली उनको हेल्प करता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सिंबल टेबल के द्वारा जो सिंथेसिस फेज ऑफ द कंपाइलर से। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड what is symbol table, which phases generates the symbol table, and which phases of compiler uses these symbol tables, and what information that is used from the symbol table. In the next video we will discuss about the various data structures used for symbol table. Symbol table ko aap kis kis tarike se store kar sakte ho, kis kis tarike se organize kar sakte ho, तो वो डेटा स्ट्रक्चर जो जिस तरीके से यूज किए जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।